हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कुरकुरी रसीली जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आइए बिना कोई देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मैदा, 1/3 कटोरी खट्टा दही। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर दही खट्टा होना चाहिए, ये 7 से 8 दिन पुराना दही है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल लिया है, उसके अंदर अब मैं डाल दूँगी ये 1 कटोरी मैदा। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं मेज़रमेंट के लिए, बट ध्यान रखें जो बर्तन आप लेते हैं उसका 1/3 हमें खट्टा दही लेना है। दही फ्रेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दही है जिसकी वजह से हमारा खमीर उठेगा। हमें इसे रात भर गलाना नहीं पड़ेगा, ये जलेबी मुश्किल से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। इसमें लगभग 1 से 1.5 कप पानी का यूज़ हो जाएगा, लेकिन हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। देखिए दोस्तों, अब हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। हमारे पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहेगी, नहीं तो ये ज़्यादा लिक्विड है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें लगभग 1 से 1.5 कप पानी का यूज़ हो गया है, 1/2 गिलास से थोड़ा कम। सॉरी फ्रेंड्स, मुझसे यहाँ पर एक वीडियो स्किप हो गया है। मैंने इस पेस्ट के अंदर 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाला है और इसे अच्छे से हिला दिया है। अब हम हमारी चाशनी की तैयारी करेंगे, तब तक इसका ढक्कन लगाकर इसको साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और गैस ऑन कर दिया है। अब मैंने 1 कटोरी इसके अंदर शक्कर डाली है, ये वही कटोरी है जिससे हमने मैदा नापा था। जिस कटोरी से हमने शक्कर डाली है सेम उसी कटोरी के नाप से हमें पानी भी ऐड करना है। मैदा, शक्कर और पानी हमें तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब हम इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये 1 पूरी इलायची। आप चाहें तो इसे कूट कर बिल्कुल बारीक करके भी डाल सकती है। मैंने यहाँ पर पूरी इलायची डाली है दाने निकाल कर। अब हम इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। ये देखिए हमारी चाशनी में थोड़ा सा बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1 से 2 टेबल स्पून दूध। आप इसकी जगह 1/2 नींबू का टुकड़ा भी डाल सकती है इसमें। इससे चाशनी के अंदर की जितनी भी गंदगी होगी वो सब ऊपर आ जाएगी। अब हम इसे 1 चम्मच की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर सारी गंदगी को चम्मच की हेल्प से बाहर निकाल लिया है। अब हमारी चाशनी को चेक करेंगे। ये देखिए हमें हमारी चाशनी कुछ इस तरह से बनानी है कि बस हमारी दोनों उंगलियाँ जो है वो आपस में चिपक जाए और उसका तार नहीं बने, सिर्फ हमारी दोनों उंगलियाँ आपस में चिपकनी चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ये देखिए इसमें थोड़ा सा और गंदगी ऊपर रह गई है, इसे भी मैं चम्मच की हेल्प से इस तरह से निकाल लूँगी। ये सारी गंदगी दूध या नींबू की वजह से ऊपर आ जाती, इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर डालें। ये देखिए हमारा घोल भी रेडी हो चुका है, इसे भी लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें पानी वानी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/4 चम्मच खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये लगभग 1 से 1.5 इंच है, 1.5 से 2 चुटकी हाईएस्ट हमें इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है वरना हमारी जलेबियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। 1 से 1.5 चुटकी मीठा सोडा बहुत है 1 कटोरी मैदे के लिए। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल ली है, इसके अंदर मैं ये घोल भरूँगी। आप चाहो तो इसकी जगह एक दूध का पैकेट भी ले सकते हैं, दूध के पैकेट का कोण बनाकर उससे भी जलेबियाँ बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक बोतल ली है। इसके ढक्कन के ऊपर देखिए मैंने एक छेद कर लिया है,
ये मैंने एक कील की हेल्प से क्या है, कील को गर्म करके फिर इस ढक्कन के अंदर छेद कर दिया है। आप चाहे तो रेडीमेड टोमेटो केचप की बोतल आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर इस तरह का एक चौड़ा पैन लिया है, बिल्कुल फ्लैट। जलेबी बनाने के लिए जहाँ तक हो सके आप एक चौड़ा बर्तन ही लें। आप चाहे तो जलेबी ऑयल या घी या वनस्पति घी किसी में भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऑयल में बना रही हूँ। हमें पैन के अंदर ऑयल इतना डालना है जिससे कि हमारी जलेबियाँ जो है इसके अंदर डूब जाए। मैंने यहाँ पर आधे से थोड़ा सा कम लेवल लिया है ऑयल का। अब हम ऑयल को अच्छे से हीट होने देंगे, बहुत अच्छे से गर्म करना है इसे। बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे जिस टाइम पर हम जलेबियाँ डालेंगे, वरना हमारी जलेबियाँ ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, अब मैं इसके अंदर जलेबियाँ डालूँगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे जलेबी का शेप ना आए मेरी तरह, मैं भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड करते हुए जाना है हमें, और जैसे ही आप जलेबी का घोल अंदर डालेंगे, गोल गोल राउंड राउंड बनाएंगे, वो फूल कर ऊपर आ जाएगी, ऊपर तैरने लगेगी। अब हम चिमटे की हेल्प से इसे अलट पलट कर लेंगे। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है एक राउंड की जलेबियाँ बनने में। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, मीडियम रखना है गैस का फ्लेम इस टाइम पर जलेबियाँ डालने के बाद, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, सिक जाए। ये देखिए हमारी जलेबियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे डायरेक्ट चाशनी के अंदर डालेंगे। मैंने यहाँ पर चाशनी को भी वापस हल्का सा गुनगुना गर्म कर लिया था, क्योंकि हमारी चाशनी कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो गई थी। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे, हमारी जलेबी अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेगी। हमें दोनों साइड से जलेबी को अच्छे से डिप करना है और बाहर निकाल लेना है, अदरवाइज़ हमारी जलेबी वो बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये देखिए हमारी जलेबी कितनी परफेक्ट है, कितनी रसीली लग रही है, कितनी क्रिस्पी कुरकुरी है। अब हम सारी जलेबियों को इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से गोल गोल करते हुए जाना है। आपको भी जलेबियाँ बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए हमारी सेकंड राउंड वाली जलेबियाँ भी कंप्लीट है। अब हम इसे भी चाशनी के अंदर डिप कर लेंगे दोनों साइड से। ध्यान रखिए आपको चाशनी के अंदर जलेबी को ज़्यादा देर नहीं रखना है, मुश्किल से 15 सेकेंड बस, दोनों साइड डिप करके जल्दी से निकाल लेना है, वरना आपकी जलेबियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारी सारी जलेबियाँ रेडी है। आपको मेरी अदर रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए हमारी जलेबियाँ कितनी परफेक्ट बनी है, आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर, कितनी पतली, क्रिस्पी और कुरकुरी है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अब मैं आपको एक जलेबी तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए ये कितनी कुरकुरी है। आपको मेरी ये छोटी सी जलेबी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरी इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको मेरे वीडियो के एंड में सब्सक्राइब का एक लोगो दिखाई देगा, आपको उसे टच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब के लोगो को टच करें, उसके बाद आपके सामने विजिट चैनल करके एक ऑप्शन आएगा, आप उसे टच करके मेरे बाकी वीडियोस की लिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।